हेलो टेंथीज, तो आज हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम एलिमिनेशन से डील कर चुके हैं। एलिमिनेशन में हम क्या कर रहे थे, हमको दो वेरिएबल्स गिवन थे तो हमें क्या एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे थे। आज हम एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल के वो दूसरे चीज़ में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज़ में किसी को पुट करना, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना है, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, वही दूसरे में पुट करना है और दोनों वेरिएबल्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। ये किस पे बेस्ड है, पूरा सब्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। ठीक, एक एग्जांपल ले लेते हैं कैसे करना है, क्या करना है। जैसे मैं, मेरे को गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू फाइव और मेरे को गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू वन, ठीक है। हमने एलिमिनेशन में देखा था, एलिमिनेशन का हमको क्लियर है कैसे करते हैं, कोफिशिएंट चेक करना होता है। जो भी वेरिएबल को हमको एलिमिनेट करना है वो उसका भी कोफिशिएंट चेक कर लो। जो भी वेरिएबल एलिमिनेट करना है उसका कोफिशिएंट चेक कर लो। उसके बाद अगर कोफिशिएंट सेम नहीं होंगे तो कोफिशिएंट सेम कर लो। फिर उसके बाद साइन देखनी होती है, अगर दोनों साइन सेम है तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। अगर दोनों साइन ऑपोजिट है तो ऐड, है ना। उसके बाद हमारा एक वेरिएबल कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, बस एक वेरिएबल बचता है, तो एक वेरिएबल के हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। आज हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकालनी है। इसमें क्या करना है, क्या करना है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, ठीक है। वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर मतलब कोई भी एक वेरिएबल को एक साइड रखना है, बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड भेज देना है। जैसे मैं इसको करती हूँ, ठीक है। जैसे x माइनस वाई इक्वल टू वन है ना, तो मैं x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालूंगी। तो मतलब x राजा बन के बस एक साइड बैठेगा और बाकी जो भी चीजें वो दूसरे साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको कौन सी चीज़ को किस साइड रखना है, तुमको कौन से इसको सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। मेरे को x का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो मैंने लिख दिया x, ये नेगेटिव साइड जाएगा तो पॉजिटिव वन प्लस वाई, तो मेरा ये आ गया x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। वन प्लस वाई इज इक्वल टू x, ओके। एक्स को किसके टर्म्स में लिख दिया मैं, वाई वाई में वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो x की वैल्यू जनरेट होती जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे। अभी वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, ठीक है। अब x, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू जो भी हमको दूसरी इक्वेशन है ना उसके अंदर पुट करेंगे, ठीक। तो इसमें पुट करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू फाइव है। अब x की वैल्यू कितनी आई, मेरी x की वैल्यू कितनी आई, ये नेगेटिव को सेट किया था हमने, है ना, वन प्लस वाई। तो x इक्वल टू वन प्लस वाई, तो अभी x की जगह क्या लिखेंगे, वन प्लस वाई। रीजन, हम x की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल दैट इज वन प्लस वाई, या जो दूसरी चीज थी वो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब x की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, वन प्लस वाई प्लस वाई इक्वल टू फाइव, वाई प्लस वाई टू वाई इक्वल टू फाइव माइनस वन, है ना। तो ये हो जाएगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है, जब उस साइड जाएगा तो नेगेटिव। तो टू वाई इक्वल टू फोर, टू वन जा टू जा, वाई का वैल्यू कितना आया टू, वाई का वैल्यू निकल गया। अब हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू वन प्लस वन, राइट। अब वाई की जगह क्या पुट कर सकती हूँ मैं, टू, वन प्लस टू इक्वल टू थ्री। आई होप समझा तुम लोगों को, सब्स्टिट्यूशन इतना ईजी है। क्या करना है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, और जो भी हमने वैल्यू निकाली है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना है, वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, ठीक है। बस यही करना है, ठीक। पहले वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, फिर जो भी हमने वैल्यू निकाली है दूसरे वेरिएबल्स के टर्म्स में उसको दूसरे इक्वेशन, जो जैसे हम कहते दो इक्वेशन थे ना, हमने पहले क्या किया, इसमें से x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, फिर जो भी हमने निकाला है इक्वेशन उसको हमने अनदर दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया, अनदर मतलब दूसरा, राइट। फिर उसके बाद हमने y और x की वैल्यू निकाली, ईजी है, बहुत ईजी है ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, तुम लोग वो ट्राई करो, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं,
हम वाई को साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव फाइव माइनस वाई। तो हमने वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर निकाल दी, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर, हमने एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल दी। उसके बाद क्या करना है, जो भी वैल्यू आई है उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करना है। हमने इक्वेशन में इस वाली इसमें से ये वाली वैल्यू निकाली ना, तो अब दूसरा वाला इक्वेशन है उसके अंदर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब x की वैल्यू कितनी आई अपनी 5 माइनस y। अब ये वाली जैसे अभी देखो इसमें से हमने वैल्यू निकाली x की, अब जो जो भी हमने वैल्यू निकाली वो हम दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। अब मैंने इधर से x की वैल्यू क्या निकाली 5 माइनस y, तो ये वाली वैल्यू उठा के दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना है, ठीक है। तो 2x की वैल्यू कितनी आई अपनी 5 माइनस y माइनस 3y इक्वल टू 4 है ना, तो 2 5 जा 10, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4 है ना। अब देखो 10 माइनस माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5y इक्वल टू 4 कितना हो जाएगा, इसको निकाल दो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4, ये पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस 10 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6 नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6 बाय 5 है ना। अब y की वैल्यू आ गई, अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हाँ ना, तो x इक्वल टू 5 माइनस y। अब y की वैल्यू तो मिल गई ना, तो ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं 5 माइनस 6 बाय 5, तो 25 ऐसे निकालेंगे इनटू 5 इनटू 5 है ना, 5 5 25 माइनस 6 और होल डिनोमिनेटर पे क्या आ जाएगा 5, तो 25 माइनस 6 19 अपॉन 5। y की वैल्यू 6 बाय 5, x की वैल्यू 19 बाय 5। आई होप तुमको समझा होगा ना, एकदम इजी है। देखो क्या करना है, जो भी हमको जब अभी हम जब जब ऐसे इक्वेशन सॉल्व करेंगे सॉल्व फॉर x एंड y, हमको दो इक्वेशन गिवन होगी। एलिमिनेशन मेथड बोला है तो हमने देख लिया मेथड, अब सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी दो इक्वेशन है ना उसमें से कोई भी इक्वेशन उठा लो जो तुमको लगे आसान है, तो वो इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ अदर, देखिए एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अदर दूसरा लिख दो इन टर्म्स ऑफ अनदर राइट। तो x प्लस y इक्वल टू 5 था, तो मैंने क्या कर दिया x को इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया है ना, 5 माइनस y। अब ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया ना x की, उसको जो दूसरा इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर दो, तो x की वैल्यू क्या मिलती है 5 माइनस y, तो ये वाली वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। देखो इसमें से हमने ये वाली वैल्यू ऑब्टेन की, अब ये वाली वैल्यू दूसरे इसमें पुट कर दो, तुमको बस जो भी अभी इक्वेशन बन जाएगी वो किसके टर्म्स की हो जाएगी वाई 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 सब, बस वाई वाले वेरिएबल्स मिलेंगे। तो तुमको इस इक्वेशन पे क्या फाइंड करना है, सिर्फ वाई फाइंड करना है, तो वाई आराम से आ जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। देखो ये इक्वेशन है किसके टर्म्स में हो गई, सिर्फ वन वेरिएबल, अब एक वेरिएबल तो आराम से निकाल सकते हैं राइट। तो प्लस 10 उस जाएगा तो माइनस 10 है ना, प्लस 10 जब उस जाएगा तो माइनस 10 और ये माइनस 5 एज इट इज, माइनस माइनस कैंसिल, 5y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 बाय 5। वैसे यहाँ पे x इक्वल टू 5 माइनस y, तो x इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 6 बाय 5, 19 बाय 5। सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये है मेथड, कैसे लगा नोट डाउन कर लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई करो। फटाफट करो। देखो अब मेरे को यार ये कुछ इजी दिख रही है, देखो इधर क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, अब मैं क्या कर सकती हूँ 2 2 2 दो समय कॉमन है, 2 इधर से निकाल सकती हूँ, तो x माइनस y हो जाएगा। देखो 2x में से 2 निकाल के बचा क्या x, 2y में से 2 बाहर निकाला तो नेगेटिव साइन और y इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 इधर चला जाएगा तो x माइनस y इक्वल टू 2 बाय 2 है ना, इधर मल्टीप्लाई में जाओ डिवाइड में जाएगा 1, तो x माइनस y कितना है 1 आया, तो x वैल्यू कितना हो गया नेगेटिव को भेज दो 1 प्लस 1। तो एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में ऑब्टेन कर लिया अपन ने, तो x को किसके कैसे ले लिया, x इज 1 प्लस y, x कैसा आया अपना 1 प्लस y। अब ये वाली वैल्यू जो आई है उसको क्या करना है, तो दूसरी इक्वेशन की वाली ना
उसके अंदर पुट कर दो, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की इन टर्म्स ऑफ y, तो जो भी x की वैल्यू आई है वो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो। हाँ यार, 3 1 प्लस y इक्वल टू प्लस 4y इक्वल टू 10 है। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करो और इससे भी मल्टीप्लाई करो, 3 1 3 3 y 3 y प्लस 4 y इक्वल टू 10 है ना, तो 3 प्लस 4 7y इक्वल टू 10। देखो ये जो इक्वेशन वो किसमें हो गई, वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल में तो हम आराम से ऑप्टेन कर सकते हैं वैल्यूज, हाई है ना, है ना। तो जो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल वेरिएबल को एक तरफ, तो वेरिएबल को तो लिख दिया एक तरफ, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को दूसरे तरफ भेज देंगे, तो 7y इक्वल टू 10। ये प्लस 3 है, जब उसर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 7, 7 वन जा 7 वन जा, वाई का वैल्यू कितना आया 1, वाई का वैल्यू 1 आया। अब इसके अंदर पुट कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने x के साथ देखा था x की जो वैल्यू है वो 1 प्लस y आ रही थी, बट अब हमें y की वैल्यू मालूम है, y की वैल्यू कितनी आई 1, तो इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ये आ गया 2, ठीक है, समझा। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 1 थी, सब्स्टिट्यूट किया, आंसर ऑब्टेन किया, आंसर आ भी गया, है ना, इजी था ना। नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। ये सॉल्व करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। करो ये सॉल्व करो, ट्राई करो। क्या कर रहा है, पहले एक वेरिएबल को इन टर्म्स ऑफ अनदर निकालना है, उसके बाद जो भी हमने वैल्यू निकाली है वो दूसरे इक्वेशन में पुट करना है और आंसर ऑब्टेन कर लेना है, ठीक है, करो ट्राई। ये थोड़ा बड़ा जाएगा क्योंकि इधर थोड़े से डिफरेंट चीजें हैं हमारी, ठीक है, तो क्या करते हैं, चलो अभी कर लेते हैं, ठीक है, तुमने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, सबसे पहले नेगेटिव को साइड शिफ्ट कर दो, है ना, तो 9x इक्वल टू 7 प्लस 2y, राइट। अब देखो अभी हमको सिर्फ x चाहिए ना, बट इधर आ क्या रहा है, कॉन्स्टेंट भी है 9, तो 9 को हम दूसरे साइड शिफ्ट कर देंगे, बट इधर है वो किसके साथ, मल्टीप्लाई में है, तो जब वो दूसरे साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, 7 प्लस 2y बाय 9, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है वो किसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में, हाँ यार, है ना, क्योंकि जब एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है तो उसी में वापस पुट कर देंगे तो बात बनने नहीं वाली, तो जहाँ से भी जिस भी इक्वेशन में से हमने वैल्यू निकाली है उसके दूसरे वाले इक्वेशन में हमको वैल्यूज पुट करनी है, ठीक। तो अभी इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, इन्हें बोला वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल दी, अब क्या करना है, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो ये जो वैल्यू हमने ऑब्टेन किया उसको दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, 3x की वैल्यू कितनी आई, 7 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 9, है ना, 7 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 9 माइनस 5y इक्वल टू 4। देखो ये इक्वेशन वन वेरिएबल में हो गया, 3 वन जा 3 जा, तो 7 प्लस 2y बाय 3 माइनस 5y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे 3 इंटू 3, राइट, ये कितना हो जाएगा, 7 प्लस 2y, 3 5 जा 15 माइनस 15y अपॉन 3, है ना, पूरा डिनोमिनेटर सेम हो गया, इज इक्वल टू 9 है, 4 है, कितना है, 4 है, ठीक है, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस 13y इज इक्वल टू 12, ठीक है, अब ये नेगेटिव साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7, तो माइनस 13y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस 5y 13, वाई की वैल्यू माइनस 5/13 आई, अब ये वाली वैल्यू आगे इसमें पुट कर देना, आंसर मिल जाएगा, x इक्वल टू 7 प्लस 2 माइनस 5/13 होल डिवाइडेड बाय 9, राइट, तो 37 जा 91 माइनस 10 13 डिवाइडेड बाय 9, राइट, अब डिवाइड में तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई 1/9, 9 1 जा 9 जा, तो दूसरा आंसर क्या मिला, 9/13, है ना, समझा, आई होप समझा होगा। यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे इसका इसका डिनोमिनेटर में क्या था, 13 था, बट इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो 1 इंटू 13
इंटू 30, 13 सेवन का कितना होता है देख लो, 7 थ्री जा 21, 7 वन जा 7 91, तो 13 सेवन जा 91, ये 2 फाइव जा 10, बट नेगेटिव साइन है तो माइनस 10 डिवाइड बाय 13, और ये 9 कैसा था, डिवाइड में था, जब डिवाइड में था हमको पता है रेसिप्रोकल होता है वो चीज़, तो 9 वन जा 9, 9 जा तो 9 बाय 13 हमारा आंसर आ गया। आई होप तुमको सब्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर है, इसमें कुछ डिफिकल्टी जा नहीं रही होगी, है ना। हाँ यार, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ, तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, तुमको समझ आ रहा होगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, ये करो सॉल्व, ये करो सॉल्व, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, कोई भी एक इक्वेशन उठा लो, हम नीचे वाले उठा लेते हैं, ठीक है। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और क्या बोला है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर, तो हमको हम x को इसी सेट रखते हैं बट जो बाकी चीज़ें उसको दूसरे सेट भेज देते हैं, तो x के अलावा इधर क्या दिख रहा है, माइनस वाई, तो माइनस वाई को सेट शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर क्रिएट हो गई। और उसके बाद क्या बोला है, देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू, देन सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज ये वाला, है ना। तो x के लिए क्या पुट करेंगे, अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, बट उधर बोला क्या है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन अनदर इक्वेशन, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, तो 4 y प्लस वाई 2y, ये इक्वेशन हो गई वन वेरिएबल की, अब एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, तो जो अब इसमें क्या करना है, एक जो भी वेरिएबल गिवन है हमको उसको एक साइड रखना है, बाकी जो भी चीज है ना उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दो, ठीक। इधर से वेरिएबल ये 2y वाला है, तो प्लस 4 को साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, तो 2y इक्वल टू 10, 2 वन जा 5 जा, वाई का वैल्यू कितना है, 5, है ना, वाई का वैल्यू 5 आया, तो इसी क्वेश्चन में पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, वाई का वैल्यू कितना मिला मेरे को, 5 मिला, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 कितना आया, 9। अरे अब समझाओ तुम लोग को, समझा, नोट डाउन कर लो फटाफट। चलो कर लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, x माइनस y इक्वल टू 2, x प्लस y इक्वल टू 2, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो, x प्लस y इक्वल टू 2, ये क्वेश्चन ट्राई करो सब लोग, ये लोग क्वेश्चन, सबसे पहले क्या करना है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन लग रही है तो ये वन उठा लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 2, तो x को एक तरफ रखेंगे, क्या बोला, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, तो हम क्या निकालते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वन, तो प्लस y को उस साइड भेज देंगे, तो x इक्वल टू 2 माइनस वन, तो ये मिल गया वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर। अब क्या करना है, जो भी हमको गिवन आया उसको दूसरे इसमें पुट करना होगा, राइट। अब x इक्वल टू 2 माइनस वन आया है, वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अनदर कर दिया, उसका क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, मतलब ये वाली वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में आया, तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 10, अब x की वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, 2 माइनस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10, 2 टू जा 4, 2 माइनस वाई माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 10, है ना, तो ये नेगेटिव कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 10, ये सर जाएगा तो 2y इक्वल टू 10 माइनस 4, है ना, पॉजिटिव जब उस जाएगा तो नेगेटिव, तो 2y इक्वल टू 6, 2 वन जा 3 जा, y का वैल्यू कितना है, 3, है ना, अब ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, 2 माइनस वाई, अब y कितना है, 3 आया, तो इसके अंदर y 3 पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 2 माइनस 3, आंसर आया माइनस 4। आई होप तुम लोगों को सब्स्टिट्यूशन एकदम आराम से एकदम अच्छे से क्लियर, क्या लगाना है, कैसे सॉल्व करना है। अब हम आगे की वीडियोज में इस चैप्टर से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे वर्ड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, ठीक है, टिल देन बाय गाइस।